कोलाम सहायता अभियान के अंतर्गत जरूरतमंदों को अनेक जगहों पर मदद पहुंचाई जा रही है। कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए इस समय लॉकडाउन घोषित किया गया है और ऐसे में दैनिक मजदूरी कर अपना और अपने परिवार का भरण पोषण करने वालों पर एक आर्थिक संकट आ पड़ा है और इसी संदर्भ में कोलाम परिवार को लॉकडाउन के समय मदद के लिए कोलाम विकास फाउंडेशन आदिम मदद के लिए कोलाम सहायता अभियान शुरू किया है और इसी के तत्वाधान में ज्योति कोरपना राजूरा तहसील के जरूरतमंद परिवारों को मदद पहुंचाई जा रही है और कोलाम विकास फाउंडेशन की इस अभियान को क्षेत्रीय संगठन डोनेट कार्ड तनिष्का ग्रुप पार्ट फाउंडेशन आदि का भी सहयोग मिल रहा है और हर परिवार तक यह मदद पहुंचाई जा रही है। इस मौके पर क्षेत्रीय संगठन के नेता तथा पूर्व विधायक एडवोकेट वामन राव चटप, कोलाम विकास फाउंडेशन के संस्थापक विकास कुंभारे, डोनेट कार्ड के बोबड़े मधुकर डांगे, बिंदु गजबी, एडवोकेट दीपक चटप आदि उपस्थित थे। मैं इस संदर्भ में पूर्व विधायक एडवोकेट वामन राव चटप ने इस अभियान के संदर्भ में जानकारी दी। नाम फाउंडेशन ही डोनेट कार्ड अशा काही व्यापारी या सगळ्यांच्या मदतीने समाजातला शेवटचा घटक समाजातला आदिम समाजाचा कोलाम मनुष्य यांना समाजात क्रेडिट देत नाही म्हणून आम्ही यांना सरकारने धान्य पुरवलं, पण तेल, मीठ, तिखट, साखर, डाळ, चणे, बरबटी, साबू, बिस्किट ह्या सगळ्या जीवनावश्यक वस्तू पुरवित आहोत। आतापर्यंत आम्ही 34+5 आजचं हे 5 म्हणजे 39 गुळ्यांवरती ही मदत पोहोचवली आहे। अजून 1002 आणि आजचे 200 धरले तर 1202 कुटुंबापर्यंत ही मदत पोहोचत आहे। सी टी व्ही के लिए हमारे विशेष प्रतिनिधी कृष्ण कुमार की रिपोर्ट।